डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑफ जनरल साइंस क्लास 6th एट पेज नंबर 71 चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स। आवर टुडे सब टॉपिक इज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ये आज का हमारा सब टॉपिक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन में मुख्तलिफ किस्म के जॉइंट्स होते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी में जो हेल्प करते हैं कैरी आउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स या एक्टिविटी या अदर एक्टिविटीज़। जो मेन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं ह्यूमन बॉडी में वो हैं हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवोटल जॉइंट्स, फिक्स्ड जॉइंट्स। तो हम इनको एक वन बाय वन डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम हिंज जॉइंट के बारे में, यहाँ पे हिंज जॉइंट के बारे में हम देखेंगे कि हिंज जॉइंट क्या होता है। ये जो हिंज जॉइंट्स होते हैं, अगर हम ओपन करते हैं या क्लोज़ करते हैं अपने डोर यानी दरवाज़े, तो हम देखते हैं ये जो दरवाज़ा है ये मूव करता है एक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एक्चुअली जो डोर होता है ये जॉइंट होता है इसके फ्रेम के साथ एक स्मॉल मेटल के ज़रिए, जॉइंट्स के ज़रिए, जिनको हिंजेस बोलते हैं, यानी जिनको कब्ज़े बोलते हैं। जो कब्ज़े लगाए जाते हैं दरवाज़े डोर्स में या खिड़कियों में, ये जो हिंजेस हैं ये अलाउ करते हैं डोर को फ्रीली मूव इन वन डायरेक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में। ए डोर इज़ सेट टू हैव ए हिंज जॉइंट। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि ये जो डोर है इसको एक हिंज जॉइंट होता है। हमारी बॉडी में भी कुछ बोन जॉइंट्स होते हैं जो मूव करते हैं डोर मूव लाइक दरवाजे की तरह मूव करते हैं हिंज। दे आर कॉल्ड हिंज, इनको भी हिंज जॉइंट्स बोलते हैं। हिंज जॉइंट अलाउ करता है मूवमेंट हमारे हड्डियों के एक डायरेक्शन में, फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। इन्हें हिंज जॉइंट जो मूवमेंट होता है बोन्स का वो रेस्ट्रिक्टेड होता है इन वन डायरेक्शन बाय द शेप ऑफ द एंड्स ऑफ द बोन्स विच फॉर्म द जॉइंट एंड बाय द लिगामेंट्स विच होल्ड द बोन्स टुगेदर। और लिगामेंट्स के ज़रिए जो होल्ड करते हैं इस बोन को इकट्ठे करने में जॉइंट पे। हमारी बॉडी में जो हिंज जॉइंट्स हैं वो होते हैं एल्बो पे, नी पे, नकल्स पे यानी फिंगर जॉइंट्स पे एंड जा जबड़े पे, या दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं यानी एल्बो, नी, नकल्स, फिंगर जॉइंट्स एंड जा और हिंज जॉइंट्स। ये हैं हिंज जॉइंट्स। तो अगर हम यहाँ पे लेट अस ट्राई टू बेंड आवर आर्म, अगर हम आर्म को बेंड करने की कोशिश करते हैं एल्बो पे, तो हम देखते हैं वी कैन बेंड आर मूव, हम बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड्स या बैकवर्ड्स। दिस इज़ बिकॉज आवर एल्बो जो हैं वहाँ पे हिंज जॉइंट हैं, यानी एल्बो पे अपर आर्म फॉर्म्स ए हिंज जॉइंट विद द लोअर आर्म बोन। ये होता है जो लोअर एंड होता है अपर आर्म बोन का इन द शेप ऑफ नॉब एंड द अपर एंड ऑफ लोअर आर्म बोन इज इन द शेप ऑफ कप इन द नॉब एंड कप। नॉब ऑफ अपर बोन फिट्स इनटू द कप ऑफ लोअर आर्म बोन्स टू फॉर्म ए हिंज, वहाँ पे हिंज जॉइंट बनता है एल्बो पे। जो लिगामेंट होल्ड करता है अपर आर्म बोन को और लोअर आर्म बोन को इकट्ठे एल्बो जॉइंट पे, सो डेट द एंडज ऑफ बोन्स, जो एंडज ऑफ बोन्स जो हैं वो नहीं फॉल होते हैं अपार्ट, दूर नहीं होते हैं व्हेन द एल्बो बेंड्स। तो यहाँ पे आप इसका ये यहाँ पे ये इस पिक्चर भी जो फिगर यहाँ पे दी गई है नॉब और कप शेपर्ड कहाँ पे लिगामेंट हैं इस नी जॉइंट पे। इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, तो किस तरह ये काम करता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।